नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। बिहार में मौसम के सिस्टम की बात अगर हम करें तो राजधानी पटना पानी पानी हो चुका है। छमाछम बारिश हो रही है जिसकी वजह से कई इलाके डूब गए हैं। और सिर्फ पटना ही नहीं, बिहार भर में छमाछम बारिश हो रही है जिसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। आपको बताएं कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वज्रपात को लेकर भी लोगों से सावधान रहने की अपील मौसम विभाग की तरफ से कही गई है। ऐसे में आज किन किन जिलों में क्या हाल रहने वाला है, बारिश को लेकर क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का, इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। बता दें कि बिहार में एक साथ दो हवाओं का सिस्टम सक्रिय है। इसके साथ ही चक्रवाती हवाओं का प्रभाव राजस्थान से बंगाल खाड़ी तक बना हुआ है। इसकी वजह से बिहार के सभी जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार है। साथ ही मौसम विभाग की माने तो आज पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, जहानाबाद, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज जिले के अनेक स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। इनमें से कई जिलों में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। वहीं सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया जिले के कुछ स्थानों पर भी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 15 दिनों के बाद बिहार में दो हवाएं एक साथ सक्रिय है, जिसमें उत्तर बिहार में पूर्व और दक्षिण पूर्व और साथ ही दक्षिण बिहार में पछुआ हवाओं का प्रभाव बना हुआ है, जिसकी वजह से बिहार के सभी हिस्से में बारिश का सिस्टम सक्रिय है। इसके साथ ही तेज हवा वज्रपात का भी असर दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बिहार के सभी जिलों में बारिश के साथ साथ वज्रपात की आशंका जताई है। वज्रपात ने बिहार में शोक का माहौल भी बना दिया है, कई लोगों की जान भी गई है। ऐसे में बता दें आपको कि मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में एक बार फिर से पूर्वी और दक्षिण पूर्व हवाओं का प्रभाव दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही एक ट्रफ रेखा पूर्व से पश्चिम पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, जिसका सक्रिय स्तर से 900 मीटर ऊपर है। और इसी की वजह से बिहार के उत्तरी क्षेत्र के पूर्वी, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, शिवहर सहित 28 जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार है। ऐसे में बता दें आपको कि आज दिन भर झमाझम बारिश होने वाली है, जिसकी वजह से कई ऐसे इलाके हैं जो डूब चुके हैं। लोगों को आने जाने में कई तरह की परेशानी भी हो रही है। लेकिन बात करें तो आज भी कई जिलों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। मेघ गर्जन के साथ ही वज्रपात होने की भी जो अनुमान है वो लगाया गया, और यही वजह है कि मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने के लिए और सावधान रहने के लिए कहा है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।